नागपुर शहर में कांग्रेस स्थापना दिवस पर भव्य महारैली व सभा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नागपुर पहुंचे। नागपुर आगमन पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा 1920 के दशक से शुरू हुई है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और पूरे भारत से कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हैं। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा जो 1920 में शुरू की गई थी, सबका मान सबका सम्मान, उसका आज फाउंडेशन भी है। पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। चुनाव से संबंधित पार्टियों का नहीं रहता है, लोकतंत्र में पार्टियां जीतती है और हारती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि विचारधारा जिंदा रहती है। कांग्रेस की विचारधारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिंदा है और देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसी विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में हम आज नागपुर में जो पहला 1920 में जो फाउंडेशन डे हुआ था, उस संदर्भ में आज हम यहाँ आए। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। जब समाज में अराजकता फैलती है तो एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व, जिसका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो इस प्रकार की यात्राएं करते रहते हैं। तो इस यात्रा से जो समाज के अन्य वर्ग है, जो अपने आप को असहाय फील करते हैं, उनको जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और ये जो यात्रा है, ये तो राजनीतिक मुद्दों और किसी और चीज़ को लेकर नहीं है, सिर्फ एक जो भय का वातावरण है उसको दूर करने के लिए इस यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। ये सब इंडिया अलायंस के जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता वो तय करेंगे, उनकी बैठ के करेंगे। मेरा तो इस संबंध में कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने हिमाचल प्रदेश के बीच सीमित हूँ। वो उनसे आप पूछिए। धन्यवाद।